अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या आपको भी नूडल्स खाना पसंद है? तो आज हम रेस्टोरेंट वाले चाइनीज़ स्टाइल चिकन नूडल्स घर पे ही बनाएंगे, वो भी सबसे आसान तरीके से। तो स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन को साफ़ करके इस तरह छोटे छोटे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेना है। इसके बाद मैरिनेट कर लेना है। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटे चम्मच डार्क सोया सॉस, एक छोटे चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक छोटे चम्मच विनेगर और एक छोटे चम्मच जिंजर पाउडर। इन सभी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए, अच्छे से लग गया है। अब इसको आधे घंटे के लिए साइड में रखेंगे, तब तक वेजीज की कटिंग और चॉपिंग कर लेंगे। वेजीज में मैं थोड़ी सी पत्ता गोभी को ली और प्याज की पत्ती को लेकर इस तरह वाइट्स और ग्रीन्स को अलग करके रख ली, और एक कैरेट और एक कैप्सिकम को लेकर इस तरह लंबे लंबे पीसेस में काट कर रख ली। यहाँ पर स्टव पे मैं पानी बॉयल होने के लिए रखी थी। जब पानी बॉयल हो जाए तो इसमें नमक और नूडल्स को डाल दीजिए। अब इनको 5 मिनट हाई फ्लेम पे बॉयल करिए। आप कोई भी नूडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटे या बारीक। इन नूडल्स को 90% ही पकाना है, पूरा नहीं पकाना, तभी ये नूडल्स खिले खिले बनेंगे और अच्छे बनेंगे। चलिए, नूडल्स बॉयल हो गए। एक नूडल को तोड़कर दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह टूटना चाहिए। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, हाथ लगाते कि नहीं टूट जाना। समझ गए ना? तो अब स्टव ऑफ करके इन नूडल्स को छन्ने में डालेंगे। इसके पानी को ड्रेन करके रनिंग वाटर में इसको ठंडा करेंगे, या फिर नूडल्स वाले भगोने में ही आप आइस क्यूब्स डाल सकते हैं डायरेक्ट। जब आइस क्यूब्स मेल्ट हो जाएंगे तो पानी को ड्रेन कर लीजिए। पानी ड्रेन करने के बाद 2 चम्मच ऑयल ऐड करके साइड में रख लेना है, इससे नूडल्स एक दूसरे को नहीं चिपकते। अगला स्टेप, अंडों को फ्राई करके साइड में रखेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करने के बाद मैं 3 अंडों को तोड़कर इसमें डाल दे रही हूँ। अंडे को थोड़ा सा पकने दें और उसके बाद उसको इस तरह बड़े बड़े पीसेस में काट के पलटाएं। अंडे थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ही हमको आधा छोटे चम्मच नमक और आधा छोटे चम्मच काली मिर्च पाउडर को ऐड करना है। इसमें ऐड करके 1 मिनट और फ्राई करें। अब ये अंडे को भी साइड में रखेंगे, ये आखिर में ऐड करना है नूडल्स में। उसके बाद चिकन फ्राई करेंगे। कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म करें और कढ़ाई के चारों तरफ तेल को फैलाएं इस तरह, इससे नूडल्स कढ़ाई को नहीं चिपकते। उसके बाद पहले इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन 1 चम्मच डालिए, फिर चिकन को डाल दीजिए। इसको अच्छे से ऑयल में सॉटे करने के बाद ढक्कन ढक के 5 मिनट धीमी आंच पे छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा के चेक करेंगे। ये देखिए, चिकन ने खुद अपना पानी छोड़कर उसी में गल गया है। इसका पानी खुश्क होने तक और 2-3 मिनट धीमी आंच पे ढक के रखेंगे। ये देखिए, तमाम पानी खुश्क होके चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन के वाइट्स और गाजर डाल देंगे। इनको 1 मिनट फ्राई करने के बाद गोभी और शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सब्जियों को 2 मिनट धीमी आंच पे ढक के सिर्फ 50% कुक करेंगे। अपन ज़्यादा सब्जी यूज़ कर रहे हैं ना, बिल्कुल कच्चे रखे तो भी अच्छे नहीं दिखते, इसलिए थोड़ा सा कुक करेंगे। सब्जियों को नरम नहीं करना है, देखिए बस इतना सा ही कुक कर लेना है। अब हम नूडल्स को ऐड कर देंगे। उसके बाद सॉसेस ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 2 छोटे चम्मच ग्रीन चिली सॉस, नूडल्स के हिसाब से काली मिर्च और नमक को भी ऐड कर देंगे।
नमक देख के डालिए, हमने ऑलरेडी हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए आए हैं। उसके बाद स्प्रिंग ऑनियन के ग्रीन्स को भी इस वक्त ऐड कर दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपके पास चाइनीज वोक है तो उसमें बनाइए और अच्छे से टॉस करिए। मैं तो आज इसी कढ़ाई से काम चला ले रही हूँ। लास्ट में ये जो अंडा हम साइड में रखे थे वो भी ऐड करेंगे। इसको मिक्स करके इन नूडल्स को 10 मिनट तक इसी तरह टॉस करते रहिए। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खाली एक बार मिक्स करके सर्व करेंगे तो इसमें बाहर वाला टेस्ट नहीं आता। इन नूडल्स को हाई फ्लेम पे तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि तमाम नूडल्स को हाई टेम्परेचर नहीं पहुँचता, तभी इसमें चाइनीज़ वाला टेस्ट आता। चलिए मैं इन नूडल्स को 5 मिनट्स और ऊपर नीचे करके सर्व करने के बाद आपको दिखाती हूँ। लीजिए चाइनीज़ चिकन नूडल्स रेस्टोरेंट स्टाइल में, इनफैक्ट उससे भी अच्छे बनते हैं अपन अगर घर में बनाएंगे तो, क्योंकि अपन चिकन और सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, राइट। अगर आप पहली बार नूडल्स बना रहे तो बड़ी सी कढ़ाई में नूडल्स की क्वांटिटी कम रख के बनाइए। अच्छा टॉस करने आता और अच्छे बनते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।